लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी का सामना कर रही है। देश में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले एक सप्ताह से भारत में कोरोना का कहर खतरनाक होता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3604 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 87 लोगों ने पिछले 24 घंटों में वायरस के कारण अपनी जान गंवाई है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के रोजाना 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसके कारण खोलना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 70,000 के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 70,756 पहुंच गई है, जबकि वायरस के कारण 2,293 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में 22,455 लोग कोरोना वायरस से बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय अभी भी 46,008 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। राहत की बात यह है कि मौतों की आंकड़ों में कुछ कमी आई है और कोरोना से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की रिकवरी रेट बढ़ी है। देश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के बावजूद कोरोना के नए मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके कारण सरकार और प्रशासन चिंता में है।